गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज योर मैथमेटिक्स टीचर सौरभ सर फ्रॉम इंटरनेशनल दिल्ली बोर्डिंग स्कूल सुल्तानगंज भागलपुर। टुडे इन दिस वीडियो आई विल टीच यू हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टीच यू वन डिजिट मल्टीप्लीकेशन। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सबसे पहले आपको मैं एक अंक का गुणा सिखाऊंगा कि गुणा हम लोग कैसे करते हैं। देखिए, यह मेरा एक अंक का गुना हो गया। हमें 243 में 5 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए, मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि जितना जितना में मुझे करना होता है उतना टाइम्स उसका हम टेबल पढ़ते हैं, टेबल काउंट करते हैं कि उतना टाइम्स में क्या आ रहा है। चलिए, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे कि 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आया मेरा? 5 3 15। और 15 में 15 कितने कितने डिजिट का नंबर है? 2 डिजिट का। एक 1 हो गया मेरा, दूसरा 10 हो गया। तो 1 वाले को लिख देते हैं। 1 पे क्या है? 5 मैं लिख दिया। 10 वाला आपको पता है कि कैरी हो जाता है, कैरी हो जाता है, दूसरे के पास चला जाता है वो। चलिए, अब यहां से कैरी कितना हुआ मेरा? कैरी हो गया 1। 1 को आप यहां पे लिख दीजिए। मैं लिख दिया 1। चलिए, अब फिर सेकेंड स्टेप में क्या करना है? 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। कितना आ गया? 20। और 1 जो मैं कैरी करके यहां पे लाया था उसको यहां पे ऐड करेंगे। कितना हो गया? 21। 21 में फिर यहां पे क्या लिखेंगे? 1। कैरी क्या होगा? 2। थर्ड स्टेप में 2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 10, जो कैरी वाला था आप लिख दीजिए कितना हो गया? 12। तो इसको समझने में और सॉल्व करने में कहीं पे कोई परेशानी नहीं हुई होगी। चलिए, एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 213, इसमें मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे? स्टेप को आप लिखने की जरूरत नहीं है, स्टेप में समझने के लिए लिख दिया हूं। चलिए, 2 3 6, 2 2 2 1 2 1 2, 2 2 2। समझ में आ रहा है? फर्स्ट स्टेप में इसका इसका, सेकेंड स्टेप में इसका और थर्ड स्टेप में इसका। क्या करते हैं? राइट टू लेफ्ट जाते हैं, राइट टू लेफ्ट जाते हैं, ना कि लेफ्ट टू राइट। आप करना स्टार्ट कर दीजिएगा राइट टू लेफ्ट। अपने हिंदू वर्डिंग में हम लोग किसी क्वेश्चन को जो सोल्व करते हैं ऐड भी करते हैं, ऐड भी करते हैं राइट टू लेफ्ट, सब्ट्रैक्ट भी करते हैं राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट का मतलब हो गया ऐसे इधर से मुझे इधर की ओर आना है। चलिए, अब 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन देखते हैं। कितने डिजिट का? 2 डिजिट का। चलिए, 2 डिजिट को हम कैसे सोल्व करेंगे आइए देखते हैं। 2 5 2 4 2 4, चलिए इसी को सोल्व करके देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में जो मैं बताया वही करना है। स्टेप फर्स्ट क्या होगा? 4 × 4, या क्या होगा? 4 × 4, कितना हो गया? 16। 16 का 6 कैरी हुआ 1। अभी इसका काम कर रहे हैं, किसका? 4 का कर रहे हैं। 2 को बीच में मत लाइएगा, अभी 4 का हम काम कर रहे हैं। अब 4 2 8 8 1 9। चलिए, 4 5 20 4 5 20 नहीं आता होगा तो आप एक बार टेबल को रिवाइज कर लेंगे। 4 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ना है। 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 19। 4 5 20, कैरी कितना हुआ? कुछ भी नहीं। कुछ आया था? नहीं आया था। तो 20, यह मेरा जो हो गया किसका हो गया? यह मेरा 4 का हो गया। किसका हो गया? 4 का हो गया। चलिए, अब सेकेंड बार में किसका वर्क करना है हमको? 2 का। किसका? अब 2 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 2 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, करते हैं, लेकिन इसके लिए
आपको एक याद रखना होगा कि जब सेकेंड बार में हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो ऊपर से एक अंक को वंश वाले को हम छोड़ देते हैं। किसको छोड़ देते हैं? वंश वाले को हम छोड़ देते हैं। सेकेंड बार में मुझे करना है टू से, तो टू फोर जा एट, एट को यहां पे लिखेंगे, यहां इस वाले अंक को छोड़ देंगे, इस प्लेस को, इस डिजिट के नीचे वाले प्लेस को छोड़ देंगे या जीरो यहां पे डाल देंगे। चलिए कोई बात नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। टू फोर जा एट, टू टू जा फोर, टू फाइव जा तीन, यह जो हो गया यह 5 × 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 का रिजल्ट। अब चलिए अब इसके आगे थर्ड स्टेप में मुझे क्या करना पड़ता है, तो थर्ड स्टेप में दोनों को ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं? दोनों को ऐड कर देते हैं। 6 के नीचे कुछ नहीं है, 6 हो जाएगा 9 8 17 9 8 17 17 का 7 कैरी हुआ 1, 0 4 4 और 1 5, 2 0 2 1, यह आपका क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। क्या हो गया बाबू? यह आपका प्रोडक्ट हो गया। किसका? प्रोडक्ट ऑफ 5 × 4 × 2 × 4 का। तो समझ में आ रही होगी, 1 डिजिट का 2 डिजिट का, मैंने दोनों टाइप का क्वेश्चन आपको समझा दिया। अब बात आती है 3 डिजिट का। किसका? 3 डिजिट का। चलिए 3 डिजिट को कैसे सॉल्व करते हैं उसको भी देखेंगे। 3 डिजिट को सॉल्व कैसे करते हैं? क्वेश्चन मेरा हो गया 3 4 6 1 2 3, हमको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट बार में 3 4 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। किससे? 3 4 6 मल्टीप्लाई बाय 3। कर लीजिए 3 6 का 18 कैरी हुआ 1, 3 4 जा 12 और 1 13 कैरी हुआ 1, 3 3 जा 9 और 1 10, यह आपका 3 से मल्टीप्लाई हो गया। सेकेंड बार में मैं बताया हूं ना कि क्या करते हैं, तो 1 डिजिट को छोड़ करके लिखते हैं, राइट साइड से 1 डिजिट को छोड़ देते हैं। अब हमको 3 4 6 में किसे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। 2 6 जा 12 कैरी हुआ 1, 2 4 जा 8 1 9, 2 3 जा 6, अब मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे बच्चों, आपको मैं कल मल्टीप्लीकेशन का जो प्रॉपर्टी पर पढ़ाया था उसमें मैं आपको दो कॉन्सेप्ट दिया था, जीरो से किसी भी नंबर को गुणा करते हैं तो उसका आंसर जीरो होता है, किसी भी नंबर को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह नंबर खुद हो जाता है। 1 से 3 4 6 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? यह नंबर खुद होगा, यह स्वयं नंबर ही होगा। चलिए तो हमको लिखना कैसे है, तो हर स्टेप में, प्रत्येक स्टेप में मुझे यह बताया जाता है कि 1 डिजिट को छोड़ करके लिखते हैं। सेकेंड स्टेप में फर्स्ट वाले का 1 डिजिट छोड़े, अब थर्ड वाले के लिए सेकंड वाला का 1 डिजिट छोड़ेंगे। इधर से छोड़ते हैं, राइट साइड से छोड़ते हैं, इधर से उनको छोड़ते हैं। अब चलिए 6 4 3, अब आपको लास्ट स्टेप तो पता है, क्या करते हैं? तो तीनों को ऐड कर देते हैं, 8 3 2 5 9 0 9 9 9 6 15 कैरी हुआ 1 1 6 7 7 4 11 और 1 12 का 2 कैरी हुआ 1 3 1 4, यह क्या हो गया आपका? यह प्रोडक्ट हो गया। क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। तो अभी तक मैंने 1 डिजिट 2 डिजिट और 3 डिजिट का जो मल्टीप्लिकेशन सिखलाया उसको समझने में कहीं पर कोई परेशानी नहीं हुई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ